Dear students, on the last turn we have discussed about the aging factors and the growing age and how a mother and a daughter feels for each other when they are going apart. Dear students, today we are starting another poem, Keeping Quiet by Pablo Neruda. In this poem, the poet is appealing the mankind to stop all the activities for a little while. During this silence, human beings will remain peaceful and lie together with each other, because this togetherness is very important for their survival. And the poet feels that if one remains silent, then he can understand himself better, and only one can live his or her life peacefully and with harmony. ये जो पोएम आज हम शुरू करने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुडा की, उसमें उन्होंने अपने रीडर्स के लिए एक मैसेज कन्वे किया है. कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रह करके. पोएट का कहना है इस पोएम में, लोगों के लिए एक अपील है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं वो सब बंद कर दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर इंसान कुछ देर शांत रहेगा तो शायद उस शांत माहौल में वो अपने आप को कुछ समझ पाएगा, अपनी हरकतों पर कुछ ध्यान देगा और अपने बारे में कुछ सोच पाएगा. तो इस पोएम में, कीपिंग क्वाइट में, पोएट ने एक फिशरमैन को भी कहा है कि वो मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, किसी जानवर को नहीं मारेंगे. जो लोग नमक उसमें कलेक्ट करते हैं वो लोग वो भी नहीं करेंगे, अपने तकलीफ़ भरे हाथों को तकलीफ़ देते हैं वो चीज़ों पर गौर करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे. और उधर जो लोग एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, पेड़ पौधे काट करके नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को, वो लोग वो भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जो एक प्रॉब्लम्स हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, खून खराबा होता है, दंगे फसाद करते हैं, हमें ये लगता है या पोएट को ये लगता है कि उसकी कुछ वजह ये भी है, ये ऑथर्स ही हैं या ये लोग ही हैं. तो जब हम कुछ देर शांत रहेंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे लेकिन बोलेंगे हम कुछ नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा हमारे लिए, या बहुत बड़ा पॉइंट होगा हमारे लिए, जब हम अपने आप को समझ सकते हैं. और अपने में, आपस में जब हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर धीरे 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 आने लगेंगे. और उन्होंने फिर ये कहा कि जब ये वॉर्स होती हैं, जब एक बार हम चुप हो जाएंगे और चुपचाप खड़े रहेंगे, तो हमारे लिए भी माहौल पीसफुल रहेगा, हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के भी हमें किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं होंगी और लोग भी परेशान नहीं होंगे. पोएट का ये भी कहना है कि जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो शायद जब हम किसी दूसरे के अपने आसपास को आगे बढ़ता देखते हैं, तो हम वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ को हमेशा से हमारे लिए प्रॉब्लम बना करके रख लेते हैं. लेकिन जब हम दूसरों की परेशानियों में साथ देंगे, या दूसरों की अगर परेशानियों में हम साथ नहीं दे सकते, तो उनको हम परेशान भी नहीं करेंगे, मेंटली टॉर्चर भी नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज होगा हमारे अंदर, कि हम अपने आप को समझ पा रहे हैं. हम आपसी एक मतलब अगर हम लड़ते हैं तो शायद हमारा उसका कारण भी यही होता है. अगर जो डेथ्स होती हैं, खून खराबा होता है, उसकी वजह भी हम होते हैं. शायद इस चीज़ को साइलेंट माहौल में समझ पाएंगे. और कुछ टाइम माहौल तो शांत रहेगा तो हमें बहुत अजीब लगेगा कि माहौल बहुत अजीब है, लेकिन एक टाइम के बाद वही शांत भरा माहौल हमें अच्छा लगने लगेगा और हम खुशी से उसमें रह पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, एंड द मैसेज विच वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज़, जब हमारे आगे कुछ नुकसान ज़्यादा होने लगते हैं, दंगे फसाद ज़्यादा होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एकदम शांत हो जाना ही सबसे बेहतर होता है. और जब इंसान शांत हो जाता है तो वो फीलिंग्स को, अपने अंदर की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाता है, दूसरों को अच्छे से समझ पाता है, और उसी से हमारी पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, कीपिंग क्वाइट. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.